जैसे हम नाम जप करते हैं, भगवत चिंतन की चेष्टा करते हैं, तो बड़ी जोर से गंदगी आती है। ये सबका अनुभव है जो भजन करते हैं, बड़ी जोर से जैसे कि दरिया में उफान आ गया हो, एक से एक गंदी से गंदी, मतलब जो आपको भी लगेगा कि यार ऐसी बात कैसे हो सकती है, बिल्कुल घृणित। वो आराध्य देव पर घृणित भाव, वो अपने गुरुदेव पर घृणित भाव, वो कुछ भी डरना नहीं, समझना ये आपके है, तो आपको लगेगा कि कितना नीच हूं, कितना गंदा हूं, क्या क्या सोच रहा हूं, कैसे, मतलब कुछ नहीं, समझना बिल्कुल तटस्थ भूमिका होनी चाहिए। मैं थोड़ी सोच रहा हूं, ये सब गंदी नाली के कीड़े की तरह मन इंद्रिया भोगों में रहे, अभी गंदगी फेंक रहे, बिल्कुल तटस्थ। अरे मैं प्रियाजू के लिए क्या सोच रहा हूं, मैं लालजू के लिए क्या सोच रहा हूं, और मैं गुरुदेव के लिए क्या, बिल्कुल नहीं। ये बेईमान लोग हैं, ये हमको भयभीत करेंगे, हमारी निष्ठा बिगाड़ेंगे, हमारा भाव बिगाड़ेंगे, बिल्कुल नहीं मानना। ये हम बहुत खूब अनुभूत सोची समझी बात कर रहे, खूब साधकों से मिली हुई बात। ये अपने आराध्य देव पर ही गलत भाव कर लेगा, ये अपने गुरुदेव पर भी गलत भाव कर लेगा। आपको डरना नहीं है, ये किसी भी तरह से आपको हटाना चाहता है। जहां आप भगवत चिंतन में लगे, अब भगवत चिंतन आपके हृदय में आए हुए या बसे हुए या पुराने संस्कार सब मिटाएगा, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी। चलने दो नाम कीर्तन, नाम जप, मंत्र जप, वाणी चिंतन, चलने दो सेवा, ये जितनी गंदगी, चुप रहो, देखते रहो, उबने की जरूरत नहीं, खिन्न नहीं होना ना हर्षित होना है, दोनों बात समझ, खिन्न हो गए तो वो टिक जाएगा, ऐसा क्यों नहीं है, उसमें गंदगी जब धुलाई हो रही तो निकलेगी सब बाहर, शांत एकदम, बहुत गंभीर होना चाहिए उपासक, इस स्थिति वाले को एकदम घबराना नहीं चाहिए। वो फिर अच्छी बातें भी डालता है जो संसार में सुखद मानी जाती है, उसमें आपको हर्षित नहीं होना, तटस्थ, यहां तक कि वो भागवतिक बातें भी डालेगा तो आपको भी गंभीर रहना है, क्योंकि वो थोड़ी देर जब समझ गया कि ये भागवतिक बात को सुनता है, तो जहां भागवतिक बात दी आप सुनने लगे, तो हम अपनी पेशगी कर देगा, आप समझ ही नहीं पाओगे, दस्तखत करवा लेगा, बहुत चतुर है। इसीलिए सबसे बड़ा चतुर सृष्टि में कौन है, रामाई भजे इतने चतुर नर, उसे सुजान कहा गया है, क्योंकि इन सब चतुरों को भी काबू में करने की सामर्थ्य भगवान नाम जापक में है। एक एक हरकत वो मन की देखता रहता है, एक एक हरकत, छोटी सी छोटी उसकी चेष्टा, अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक, कुछ नहीं, कोई नहीं बिगाड़ सकता, बस आप झुकना नहीं इस पे, बाहर की बात नहीं कह रहे, यहां की बात, आप उदास मत होना, आप निराश मत होना, और आप इनके आगे झुकना नहीं, दुष्टों के समुदाय के आगे, एक से एक पेशगी देंगे, आपको निराश करने की चेष्टा करेंगे, आपको ऐसा कर देंगे कि लगेगा भी इस भोग के बिना तो हम जी नहीं सकते, अब ये भोग भोग ले, फिर भगवान मिले या ना मिले, झुकना मत इनके आगे, ये दुष्ट प्रवृत्तियां आपको रौंदने की चेष्टा कर, और आप तभी नहीं झुकेंगे जब मत परायण भगवदास, अगर भगवदास तरेरी तो बातें बोलते रहो, कुछ चले होने वाला, वो अपने आप वही आपको आकर्षित कर लेंगे। तो जो भगवद आश्रय छोड़ चुका है और संसार का आश्रय लिए है, तो चाहे जितनी चतुराई करे, संसार का ही चिंतन होगा, और संसार का चिंतन है विषयों का चिंतन, और विषयों का चिंतन है दुर्गति, स्पष्ट समझ लीजिए, क्योंकि विषय चिंतन में राग प्रियता आसक्ति पैदा होती है, जैसे विषय चिंतन होता है तो उस विषय चिंतन के प्रति राग होता है, प्रियता होती है, अगर ये वस्तु मिल जाती आज खाने को, ये भोगने को, ये देखने को, ये सुनने को, मजा आ जाता, आनंद आ जाता, ऐसा राग प्रियता और आसक्ति और विषय सेवन की ललक अब रहा नहीं जा रहा। ये कब शुरू हुआ, विषय चिंतन से, ध्यान रखना, ध्यायतो विषयान पुंशः संगस्तेषूप जायते, विषयों का ध्यान करने से, चिंतन करने से विषय संग अर्थात आसक्ति उसके हृदय में प्रकट होती है।
अब तो रहा नहीं जा रहा, अब वो भटक रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, कहां वो पाऊं, ललक रहा है अंदर। बड़ी दुर्गति की ये स्थिति होती, प्रायः हर साधक इस आग से जल करके आगे निकलता है। आग बुझाने की चेष्टा मत करना, इसमें अगर आपने थोड़ी भी बैलेंस बनाने की कोशिश की तो मार्ग छूट जाएगा। इस आग से ही निकलना है, पक्का तय करो, आग को बुझा करके निकलना है, कभी नहीं, निकल ही नहीं सकते। और जब आप इस आग में कूदोगे तो ये आग जलाएगी नहीं, चंदन हो जाएगी। बाहर से तुम्हें लपटें दिखाई देंगी, और जब अंदर प्रवेश करोगे कि हे प्रभु आपके लिए मैं जलूंगा, तो कहीं भी धुआं भी प्रवेश नहीं हुआ विभीषण के घर में, पूरी लंका राख हो गई। एक विभीषण कर गृह, पूरा संसार जल रहा है कामाग्नि क्रोधाग्नि लोभ, लेकिन भक्तों के हृदय में उसका धुआं भी प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां भगवान का आश्रय है। विषयों का सेवन शरीर से भी ज्यादा घातक है मानसिक सेवन, समझना। साधक क्या समझता है कि मैंने कोई क्रिया तो की नहीं, अच्छा बहुत चतुर है, मानसिक पाप लगता नहीं, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा, ओ बैठे बैठे बस। गलत बात समझिए, शारीरिक सेवन से ज्यादा गंदगी पैदा होती मानसिक चिंतन से। शारीरिक सेवन से उतना सुखाशक्ति नहीं पैदा होती जितनी मानसिक चिंतन से। देखना खुद, जब ये मन आपको किसी भोग के लिए आकर्षित कर रहा हो तब देखना कैसा वो सुख देता है, और जब आप उसी भोग को भोग रहे होंगे तब देखना, फिर लगता है कि वो तो जो चिंतन में था वो तो समझो, शारीरिक क्रिया से ज्यादा घातक मलिनता पैदा करता है मानसिक भोगों का संयोग। उसमें विषयों की विशेष आसक्ति पैदा हो जाती है, वो ऐसी प्रियता होती कि बार बार हृदय को चूर चूर करती रहती है। तब देखो ना संसारिक पुरुषों को देखो ना, अब वो विषय सेवन करे चाहे ना करे, विषय राग उसका नाश कर चुका, ये बहुत समझने की बात है। कि हम किसी से मिलते नहीं, हम किसी से, लेकिन एकांत बैठकर अगर आप मन के साथ विषयों में विचरण कर रहे हैं तो आप में और एक घोर संसारी में कोई अंतर नहीं है। संसारी को तो एक दैन्यता भी रहती कि मैं बड़े बड़ा नीच हूं, कामी हूं, और अपने अंदर एक अहंकार रहता कि मैं बैरागी हूं, मैं महात्मा हूं, समझते रहे ना। शरीर से क्रिया नहीं हुई पर मानसिक आप उसका संयोग सुख चिंतन के द्वारा, तो आप बहुत मलिन हो रहे हैं, आप अपना बहुत बुरी तरह से पतन कर रहे हैं, ये भगवत वाणी है। तो होता है ना स्वाभाविक, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें नाम जप कर सकते हैं आप, वही तो डिलीट करेगा, चतुराई नहीं। कई बार सत्संग में कहा कुछ भी चल रहा है अंदर, मन फेंक रहा है राधा 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 राधा, ये जो आपका राधा राधा चल रहा है ना, एक भी चाल उसकी नहीं चलने देगा।